हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो निर्मला सीतारमन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यूएस गए हुए हैं वाशिंगटन डीसी में, जहां पे वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एनुअल समिट्स को अटेंड कर रहे हैं। अब उस दौरान निर्मला सीतारमन जी ने हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उनके जो व्यूज है इंडियन इकोनॉमी को लेकर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो समिट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा, ये हम इन 10 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। मतलब हम 10 पॉइंट्स बनाएंगे, जो जो चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाली हम सारी की सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो निर्मला सीतारमन जी ने एक ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया है, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो इस साल 7% के अराउंड ग्रो करेगा। अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में रिसेशन की बात चल रही है, ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, ग्लोबल रिसेशन की पूरे पूरे चर्चे चल रहे हैं। आईएमएफ ने कह दिया कि रिसेशन आ चुका है। उसके अलावा डॉक्टर डूम कह रहे हैं कि इस साल के एंड में और 2023 पूरा का पूरा जो है वो रिसेशन में रहेगा। बट फिर भी वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो 7% के अराउंड होगी। आरबीआई ने भी कहा कि हमारी ग्रोथ 7% के अराउंड होगी। इतनी ज्यादा दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद भी फिर भी इंडिया जो है वो स्ट्रांग है। आईएमएफ भी कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 6% से ऊपर ही ग्रो करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है हमारी कंट्री के लिए। उसके अलावा एनर्जी नीड्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया फ्यूचर में ना एक प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकता है, वो है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। अब देखो, इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है, बेसिकली अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो 80-85% हम क्रूड ऑयल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अब फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने का मतलब है हमें उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है। अब यूक्रेन और रशिया वॉर चलने की वजह से जो कॉस्ट है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और हमारी कंट्री पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी का बहुत ज्यादा मेजर इशू हमारी कंट्री में है। हमारी कंट्री में काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हम एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन को डेवलप होने के लिए एनर्जी की काफी ज्यादा नीड होती है। तो इस चीज को हम एक मेजर इशू जो वो कंसर्न कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस बार के बजट में हम लोग जो है वो ग्रोथ मोमेंटम पे फोकस करेंगे कि कंट्री का जो ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज होना चाहिए। और मेजरली उन्होंने एक और बात डिस्कस की कि जो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा चल रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा हम प्रॉपरली एड्रेसिंग करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन की जो लिमिट है वो 2% से लेकर 6% तक की हुई है, बट फिर भी हमारी जो इन्फ्लेशन है इस पर्टिकुलर लिमिट को क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है। ग्लोबली भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है और इंडिया में भी इन्फ्लेशन का काफी प्रॉब्लम है। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, अब आरबीआई आपको पता है, आरबीआई अपनी जो पॉलिसी रेट है जिसको हम मेजरली रेपो रेट कह देते हैं वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब रेपो रेट इंक्रीज करने से जो लोन के रेट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और लोन के रेट इंक्रीज होने से लोग लोन कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारी रिकवरी को लेकर। तो इस चीज को लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर काफी कंसर्न थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज है उनको पोटेंशियली वर्क करना चाहिए ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए। अब ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या है, वो गुड्स जो ग्लोबली लोगों के लिए काम करे और जिन गुड्स का फायदा पूरी दुनिया को, ये मत हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री को उस गुड्स का फायदा हो रहा है, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज को उन गुड्स का फायदा होना चाहिए। और ये बात उन्होंने तब कही क्योंकि जब इस साल दिसंबर में इंडिया को G20 की एनुअल लीडरशिप मिल जाएगी, इससे पहले G20 की एनुअल लीडरशिप जो है वो इंडोनेशिया के पास है। तो इंडिया इस चीज को लेकर वर्क करना चाहता है कि ग्लोबली लोगों को क्या मिले, इजिली गुड्स जो है वो अवेलेबल हो। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही मेजर बात कह दी, वो क्या थी कि जो भी दुनिया में रायता फैला हुआ है एडवांस नेशन की वजह से, अब देखो सिंपल है, पॉइंट आउट कर दिया कि जो भी ग्लोबल स्पिल ओवर है, जितने भी ग्लोबल स्पिल ओवर, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं दुनिया में, ये एडवांस नेशन की बनाई हुई प्रॉब्लम है, एडवांस नेशंस की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। इनकी जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी के डिसीजंस है उनकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारी जैसी जो ग्रोइंग कंट्रीज है, उनको काफी ज्यादा फेस करना पड़ता है। अब जैसे ये जो वेस्ट है ये सैंक्शन लगा देते हैं, यूएस पर्टिकुलरली काफी कंट्रीज पे सैंक्शन लगा चुका है, ताकि जैसे ईरान की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, इन पे सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया पे भी सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान से हम क्रूड ऑयल नहीं परचेज कर सकते, वेनेजुएला से क्रूड ऑयल नहीं परचेज कर सकते, रशिया पे सैंक्शन लगाए हुए हैं। अब सैंक्शन का नुकसान हमारी कंट्री को है, अब हमें ऑब्वियसली बात है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी, और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के बारे में डिस्कस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है, और हमारा जो जीडीपी का प्रपोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी के टाइम पे हमारी जीडीपी की अगर बात करें तो हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और ये बात उन्होंने कही है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कह दी कि हम आइसोलेशनिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को फेवर नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, मान लो सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्शन देते हैं कि मान लो इंडिया है, इंडिया में और कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट एंटर नहीं होने देंगे, टैरिफ लगा देंगे या नॉन टैरिफ बैरियर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो प्रोटेक्ट रहेंगी। अब ऐसी सारी जो पॉलिसीज है वो 1991 से चलती थी, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, उससे पहले ये प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म फेवर में था। बट हम कहेंगे कि अब हम टिपिकली जो ग्लोबलाइजेशन है उसको फोकस में रखते हुए हम कंपटीशन भी देखेंगे, और साथ साथ जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जिन भी स्टार्टअप्स को दिक्कत है और वो इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, और गवर्नमेंट उनके कंसर्न्स को ध्यान से सुनेगी ताकि वो जितने भी स्टार्टअप्स है वो अल्टीमेटली कहाँ पे रहे, इंडिया में रहे। बिकॉज अगर स्टार्टअप्स इंडिया में रहेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो हमारी इकोनॉमी को होगा। देन रुपए करेंसी के बारे में डिस्कस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि काफी कंट्रीज को एनकरेज किया जा रहा है कि वो रुपए मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करें। अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं रुपए और यूपीआई जो पेमेंट मेथड है वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, और रिसेंटली फ्रांस से भी बातचीत चल रही है कि रुपए और यूपीआई का वो यूज जो है वो शुरू कर दे। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि और काफी एरियाज में जो रुपए है उनके यूज को एनकरेज किया जाएगा। अब अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट जेनेट येलन से डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि करंट जो भी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशन बन रही है, और जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है उन पे काफी ज्यादा बातचीत हुई ताकि जो यूएस है और इंडिया है उनको साइमल्टेनियसली दोनों को क्या होता रहे, बेनिफिट होता रहे। और साथ ही साथ उन्होंने मिस येलन को इनवाइट किया है कि जो यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीटिंग है दिल्ली में, जो कि 11 नवंबर को हो, उसमें इन्विटेशन दिया गया है और कहा गया है कि इससे जो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप है और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये मेजर 10 पॉइंट्स है जो हमारे निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में एनुअल समिट के दौरान की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स हैं साथ साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।